हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कनिका और आज हम जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर, जो कि बैंगलोर से 2-2.5 घंटे दूर है। अभी हम लोग को काफी टाइम हो चुका है, मतलब अगर हम सुबह सुबह निकलते तो शायद 2 घंटे में पहुंच जाते, पर अभी क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगने वाला है पहुंचने में। वहां पे कोटिलिंगेश्वर में 1 करोड़ ये है शिवलिंग्स है, तो वहां पे बहुत ही सारे शिवलिंग्स के दर्शन होने वाले हैं हमें जाके। सब लोग अभी रेडी होके वेट कर रहे हैं हिमानी और नितिन का, क्योंकि वो लोग एज़ यूजुअल बहुत लेट थे, और क्योंकि अब वो दोनों आ चुके हैं हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सो वी हैव फाइनली रीच्ड कोटिलिंगेश्वर। हम लोग अभी बाहर पार्किंग में खड़े हुए हैं। 2-2.5 घंटे एक्चुअली लग जाते हैं बैंगलोर से अगर आप सुबह सुबह निकलो तो, अगर थोड़ा लेट निकलो तो ट्रैफिक मिल सकता है, तो मतलब ऑन एन एस्टिमेशन 3 आवर्स में भी व्हाइटफील्ड से लग सकते हैं कोटिलिंगेश्वर आने के लिए। आज वीकेंड है तो बहुत ज्यादा गाड़ियां और बहुत लोग हैं यहाँ पे। हमने अपना दिन स्टार्ट किया है कोकोनट वाटर के साथ, जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने भैया बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग ने प्रसाद लिया और लग गए लाइंस में। लाइंस बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड का दिन था, संडे था, और बहुत सारे लोग आए हुए थे, आसपास वाले लोग भी, जैसे बैंगलोर पास में है और कोलार भी आसपास के लोग, सब लोग आए हुए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें लाइंस में बहुत देर तक वेट करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, अंदर जाके अमेजिंग होने वाला था। बाहर से ही शिवलिंग स्टार्ट हो गए थे, मतलब बाहर से ही लाइंस में हम लोग खड़े हुए हैं, आप देखो, और अंदर भी शिवलिंग्स हैं पर बाहर से ही वो स्टार्ट हो गया था। आपको लाइन में ही खड़े खड़े, साइड में एक टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको टिकट लेना है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 20-30 रुपीज़ फॉर एडल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं, और एज सून एज वी एंटर्ड वी वर अमेज्ड टू सी इतने सारे शिवलिंग्स थे, इतने सारे शिवलिंग्स थे, शायद ही कभी किसी ने लाइफ में इतने सारे शिवलिंग्स एक साथ देखे होंगे। बहुत अच्छा लगा सारे शिवलिंग्स के एक साथ दर्शन करने में। उसके बाद हम यहाँ से सीधा सीधा जैसे ही आगे जाते गए, वैसे ही और वहाँ पे 3 मंदिर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और हम लोग अगेन लाइंस में लग गए तीनों मंदिर में जाने के लिए। तो पहला मंदिर जो था वो ब्रह्मा जी का मंदिर था, वहाँ की लाइंस में हम लोग लगे हुए थे, और सामने आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर उनके आइडल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियोज़ बनाना, तो इसीलिए हम लोग ने बहुत दूर से और बाहर बाहर से वीडियोज़ बनाई हैं। उसके बाद और अलग अलग टेम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अगेन शिव जी का टेम्पल है, यहाँ पे सब जगह शिवलिंग से शिवलिंग्स आपको दिखाई देंगे। लोग वहाँ से जाते हुए फ्लावर्स चढ़ा रहे थे और कुछ कुछ चीज़ें चढ़ा रहे थे शिवलिंग्स पे, और सामने वहाँ पे शिवलिंग अगेन शिव जी के दर्शन आप कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रेट आगे जाके अगर आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने दिया और जो भी आप लेकर आए हो अगरबत्ती वगैरह, वो सब आप प्रसाद में कर सकते हो, वहाँ पे चढ़ा सकते हो, पूजा कर सकते हो। तो दिस वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको कुछ चढ़ाने की परमिशन मिलती है, बाकी सब जगहों पे आपको अलाउड नहीं करते हैं कि आप दिया जला सको या आप कोई फूल वगैरह अंदर मंदिर के चढ़ा सको। तो हमने बहुत अच्छे से पूजा की यहाँ पे, आरती की, जो भी प्रसाद हम लेकर आए थे, जो भी दिया हम लेकर आए थे, हमने वो सब जलाया और बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारी पूजा हुई। पूजा करने के बाद और भी 2 टेम्पल्स पड़े थे जहाँ पे हमें दर्शन करने थे, तो इसके बाद हम लोग लग जाएंगे उन दोनों टेम्पल्स की लाइन में, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर भी। यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं अपनी अगले टेम्पल के लिए, तो आप देखेंगे आसपास यहाँ पे अगेन शिवलिंग से शिवलिंग्स हैं दूर दूर तक। यहाँ पे ये एक मेन शिवलिंग थी जहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं, बट इसके अलावा आसपास भी सब जगह शिवलिंग से शिवलिंग्स हैं, आप सब सारे शिवलिंग्स के दर्शन कर सकते हैं, और आपको उतने ही सारे शिवलिंग्स का दर्शन करने का पुण्य मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये सेकेंड वाला मंदिर है जहाँ पे अभी हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हमने तीनों मंदिर कवर किए। और उसके बाद यहाँ पे नितिन विश मांग रहे हैं नंदी जी के कान में, आप बोल सकते हैं और आप अपनी विश बता सकते हैं उनको कि क्या है आपके मन में, और अगर आप सच्चे मन से वो चीज़ मांग रहे हैं तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। यहाँ की एक बहुत अमेजिंग चीज़ ये भी है कि यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग हैं, सबसे बड़े शिवलिंग, और अगर अभी आप नंदी जी भी देखेंगे वहाँ पे, नंदी जी भी बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पे आपको उनके भी दर्शन करने का चांस मिलेगा। आप नंदी जी के दर्शन कीजिए, आप शिव जी के दर्शन कीजिए, जो कि एशिया के सबसे बड़े हैं, ये जो सामने हैं ये सबसे बड़े शिवलिंग हैं पूरे एशिया के, तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं।
और इसके बाद यहाँ पे दर्शन करके हम सब लोग ने बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करवाई, क्योंकि यहाँ पे परमिशंस थी फोटो क्लिक करवाने की। ये एग्जिट वाला रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टॉयज और चीज़ें मिल रही थी जो आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं। इट्स 5 PM एंड वी आर डन फॉर द डे। अभी काफ़ी कम हो चुकी है भीड़ और सिर्फ हम लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वो जा चुके हैं ऑलरेडी। हाय गाइस, वी आर डन विद आवर डिनर नाउ। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, 7 बज चुके हैं ऑलरेडी और शायद 1 घंटा और लगेगा बैंगलोर जाने में। तो जाते हैं और मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। सी यू, बाय बाय। हाय गाइस, वी आर बैक होम और सब लोग बहुत थके पड़े हैं, सोने का माहौल हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगा था कि हम लोग नीचे जाएंगे थोड़ा वॉक करने के लिए, बट बहुत टायरिंग डे था आज, क्योंकि बहुत लंबी लाइंस थी वहाँ पे, हमें खड़े होके दर्शन वगैरह हम लोग ने किए। तो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल पूरा दिन, ऑल दो थोड़ी भीड़ थी ऑफकोर्स, क्योंकि वीकेंड था और सबकी छुट्टियाँ थी तो थोड़ी भीड़ थी, बट ओवरऑल दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत मज़ा आया। और क्योंकि अब हमारी छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय।